निकल चले हैं पटना के सड़कों पर। जी हाँ, वैलेंटाइन डे मनाने वालों से भी हम जानकारी लेंगे कि इस बार का वैलेंटाइन डे आप लोग कैसे मना रहे हैं। तमाम लोगों से सबसे पूछेंगे का हालवा पटना। हाँ, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। वैलेंटाइन डे मनाते हो? नहीं नहीं। क्यों? है ही नहीं कोई, सिंगल है। ऐसा क्यों? ये सब में इंटरेस्ट नहीं है बस। आपका है? इंटरेस्ट तो है लेकिन कोई मिल ही नहीं है सर। अच्छा, कोई नहीं मिल रहा है? प्रयास किए थे क्या? प्रयास तो बहुत किए थे लेकिन वही होता है, मतलब छोड़ के चली जाती है सब, क्या कर सकते हैं इसमें। आपका क्या नाम है? मेरा अभिषेक झा हुआ। क्या बताएं, सिंगल ही है, अभी कोई मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर आए मतलब इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम लोग बस यहीं पे आए खाने, लिट्टी आए थे खाने, कोचिंग से। आप बताओ क्या बोले? क्या वैलेंटाइन डे मनाते? नहीं नहीं मनाया। वैसे क्यों? पहले ही खत्म हो गया। पहले ही खत्म क्यों? बस बिना बात का खत्म हो गया। आपसी रंजीश को भुला कर तो अपने नए सिरे से करना चाहिए। गुलाब गुलाब दिए थे क्या? नहीं, मैं हम लोग में ये सब नहीं हुआ है। आप लोग में नहीं होता है, मतलब नहीं समझे? आप इसी देश के हो ना? मैं ये सब में बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छा, मतलब खाली सिर्फ देखना है? नहीं, देखना नहीं है, देखते नहीं है। मेरा कहना है कि अगर ये सब करना है तो ये सब सिर्फ बस 7 दिन का चोचले हैं, उसके बाद खत्म। ये सब चलता रहता है, ये सब करने से अच्छा है कि उससे डायरेक्ट शादी कर लो। अच्छा अच्छा, वहाँ तक पहुँच गए? अभी तक वहाँ तो बात ही नहीं गई। अच्छा, यहाँ तो पहले ही खत्म हो गई, ब्लॉक हो गई। तो पुरानी सोच है, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया? वो कर दिए कि आप कर दिए? नहीं, सिचुएशन ही ऐसा आया कि ना वो बोल पाए ना हम बोल पाए। रोज गुलाब देकर कर देना चाहिए था ना? नहीं, हम लोग में ऐसा नहीं था कुछ। अच्छा अच्छा, हम लोग में ऐसा नहीं होता। वैलेंटाइन डे स्पेशल केक क्या हो? वैलेंटाइन का मतलब स्पेशली हम लोग अपने फैमिलीज के साथ और फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैं इनके साथ हूँ तो हम लोग स्पेंड करें तो अच्छा है। और बाकी तो वैलेंटाइन का मतलब ये कि प्यार, और प्यार का मतलब है कि किसी से भी हो, फैमिली फ्रेंड्स और सबका अपना अपना ओपिनियन। उसमें 7 दिनों खास आकर्षण का केंद्र क्यों बना हुआ रहता है? पूरे एक साल में 7 दिनों का ज़्यादा ये रहता है? मतलब लोगों ने एक बाहर से ले लिया है वो, बट ऐसे तो हर दिन ही स्पेशल होता है और लव्ड वंस के लिए तो हमेशा ही स्पेशल है। हाँ, मेरे हिसाब से भी तो एक डेट दे दिया गया है, इट्स ऑलवेज दैट यू लव योर लव्ड वंस, बट एक स्पेसिफिक डेट में क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। ऐसे तो आप हर दिन किसी को विश नहीं करते हो, बट एक स्पेसिफिक डेट में आप रियलाइज़ करते हो और विश करते हो, तो दैट इज़ वाई दिस इज सेलिब्रेटेड। आई थिंक इट्स फाइन। सो ये पूरे देश भर में लगातार क्रेज बढ़ता जा रहा है, खासकर यूथ के, युवाओं की टोली में, इससे क्या कितना आप सहमत? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो जनरेशन है उस हिसाब से ये क्रेज़ है, तो इट्स फाइन, वो सही है। ये अगर हम देखें, ये जो वैलेंटाइन डे है, लोग तो नवरात्र की तरह मना रहे हैं। ये 9 दिन का जो हर दिन का आप समझ रहे हैं, एक कभी कभी गुलाब दिन होता है, मतलब रोज डे होता है, कभी आपका प्रपोज डे होता है, कभी प्रॉमिस डे होता है। तो अभी के जो जनरेशन है उसमें हम एक चीज़ गड़बड़ देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं इसमें एक खराबी चीज़ है कि छोटे बच्चे मतलब छोटे गर्ल्स के साथ मतलब घूम रहा है, फिर रहा है, और मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला हिसाब किताब सोच लेता है कि मेरा उससे शादी होगा, ब्याह होगा, आगे ये बात करेंगे, वो करेंगे, तो ये सब गड़बड़ है। अभी की जनरेशन वैसा नहीं होना चाहिए। एक एज के साथ अगर देखते हैं, अगर टीन एजर से ऊपर हो, अगर मतलब 18 ईयर्स अगर ऊपर है तो अच्छा चीज़ है, मतलब शुरुआती छक्का मारने की कोशिश। हाँ, वो शुरुआती छक्का मारने की कोशिश, यही चीज़ है, यही गड़बड़। इसमें क्लीन बोर्ड हो जाता है, ऐसे में क्लीन बोर्ड हो जाता है, लाइफ चौपट हो जाता है। क्या लग रहा है आपका वैलेंटाइन कैसा? वैलेंटाइन डे तो खैर मेरा क्या बताया, मेरा हिसाब किताब गड़बड़ अभी है। अच्छा लगता है, इच्छा तो होता ही होगा। इच्छा बिल्कुल होता है, लेकिन जो लाइबिलिटी है उसके अंदर में थोड़ा सा दबे है। अब तो हम लोग का एज थोड़ा ऊपर चला गया, तो हम लोग सोच रहे हैं सीधा शादी ब्याह में ही काम करें अपना। इस बार वैलेंटाइन डे कैसा? कुछ नहीं भैया, नॉर्मल डे जैसा चल रहा है, वैसे ही। कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। कुछ नहीं ना? नहीं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्यों बस अपने लाइफ में बिजी है सब, इन सब चीज़ के लिए टाइम थोड़ी है। इच्छा तो होती होगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, भाग क्यों ना है? भाग। देखिए भाई, ऐसे लोग हैं कि वैलेंटाइन डे के नाम से लोग भाग रहे हैं। हमारा मकसद है कि जितने भी यूथ है सबसे हम पूछेंगे कि इस बार वैलेंटाइन डे कैसा होगा, मनाने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या डेट दिए हैं या नहीं दिए हैं। वैलेंटाइन डे कभी मनाए कि नहीं? वैलेंटाइन डे तो मनाए नहीं है, फिर भी रिलेशनशिप में पिछले 10 साल से। अच्छा,
ऐसा कोई डेट वगैरह दिए होंगे वैलेंटाइन डे मनाने का? वैलेंटाइन डे मनाने के लिए मतलब ऐसे तो मतलब कोई पार्क वगैरह में तो नहीं गए हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं हमेशा। इच्छा होती है पार्क में जाने का? एकदम है, पार्क में गए हैं मतलब वैलेंटाइन डे के दिन स्पेशली नहीं गए हैं, अंधेरा तो जाते ही रहते हैं। कैसा है वैलेंटाइन डे का जनरेशन, कैसा है पहले के अपेक्षा? तो मतलब अभी का जो जनरेशन है वो तो मतलब वैलेंटाइन डे को मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, त्यौहार के तरीके से ही मना रहा है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया। क्या कन्हैया जी, शरीर छोड़ दिए हैं क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे। इस बार वैलेंटाइन डे कैसा रहेगा? दम एक कोई है ही नहीं तो कैसा रहेगा, दम जैसा जा रहा है। जबकि झूठ नहीं बोलिए। झूठ क्यों बोलेंगे, हमको तो लग रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है। कहाँ कुछ चल रहा है, जिंदगी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। उम्मीद है? कुछ नहीं उम्मीद है, उम्मीद जिंदगी है, उम्मीद छुटल है। चलिए कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही कुछ और लोगों से भी हम जानकारी लेंगे और पूरे शहर में घूमेंगे कि इस बार यूथ की भूमिका कैसे रहेगी वैलेंटाइन डे पे। चलिए